दोस्तों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये ड्रॉप इन पिचेस होती क्या है, क्योंकि इस पिच के कारण वर्ल्ड कप में फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ड्रॉप इन पिच होती क्या है, कैसे बनती है और यह इस्तेमाल कैसे होती है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। दरअसल ड्रॉप इन पिच जो है वो मैदान से दूर तैयार की जाती है और बाद में इन पिचेस को लाया जाता है, उसके बाद ग्राउंड में इन्हें इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए इन्हें ड्रॉप इन पिच कहा जाता है। वर्ल्ड कप के लिए एडिलेड में 10 पिच बनी थी, वहाँ से यह पिच ट्रांसपोर्ट के जरिए यूएसए में यह पिच लगाई गई, जिसमें 6 प्रैक्टिस विकेट्स है और 4 पिच जो है वो ग्राउंड में लगी है। और यह ग्राउंड कौन सा है, नाउस क्रिकेट काउंटिंग इंटरनेशनल स्टेडियम, जहाँ पे 8 मैच वर्ल्ड कप के होने हैं। भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला भी ड्रॉप इन पिच पे होने वाला है, तो ड्रॉप इन पिच एक दूसरे मैदान पे बनती है। यह पिच जो है वो एडिलेड में बनी है, यहाँ से मियामी के रास्ते जो है यूएसए पहुँची है और इस विकेट को लेकर बहुत चर्चा है। अभी हाल ही में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ, जिसमें देखा गया कि मामूली से रन बन गए और इस विकेट ने जो है काफी परेशान किया। अब यह पिच बनती कैसे है, एक मेटल ट्रे पे बनाई जाती है, मेटल ट्रे होती है जिसपे घास और मिट्टी बिछाई जाती है, उसके बाद काफी महीनों तक इसे सेट किया जाता है। और ड्रॉप इन पिच का एक फायदा यह होता है कि ये पिच जो है वो टूटती नहीं है, जैसे बाकी तमाम पिच हमें टूटती नजर आती है। और वर्ल्ड कप के 8 मैच जो है वो ड्रॉप इन पिच पे होने वाला है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, लेकिन इसका नुकसान कितना होने वाला है वो जरा समझिए। ड्रॉप इन पिच जो है इसका फायदा तो ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में इन पिचों पे अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं वो अनइवन बाउंस के चलते खराब दिखे। ये पिच जो है सेट होने में कम से कम 12 महीने लगते हैं। जब ये ग्राउंड में लाई जाती है पिच, तो इसको जब रखा जाता है तो लगभग 12 महीनों का वक्त होता है जब ये पिच सेट होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही इन पिच पे मैचेस शुरू करवा दिए गए। और नतीजा ये है कि वार्म अप मैच में जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ तो पिच काफी स्लो थी, अनइवन बाउंस था, और हाल फिलहाल में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी इन्हीं पिचों पे हुआ, जहां पे 77 रन बने और विकेट जो थी स्पिनर को ये काफी फायदेमंद साबित हुई थी। तो यहां पे ड्रॉप इन पिच का फायदा तो है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद इन पूरे स्टे को तोड़ दिया जाएगा, पिचेस को हटा दिया जाएगा। और अगर हम देखें तो एडिलेड, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, यहां पर काफी जगहों पर ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इन पिचों को रखा जाता है तो उस ग्राउंड पे कम से कम 1 साल तक कोई मैच नहीं होता है। लेकिन यहां पे ड्रॉप इन पिच एक सवाल बन चुका है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच से लेकर वर्ल्ड कप को काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है ड्रॉप इन पिच पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।